मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा 21वीं सदी के अपने बदतरीन जंगल की आग के मौसम का सामना कर रहा है। शोलों से लड़ने में मदद के लिए मुतादित ममालिक से लगभग 5000 फायर फाइटिंग अहलकार कनाडा भर में तैनात किए गए हैं। जॉन क्रेबी का कहना है कि आकॉस के मेकअप का सरेनौ जायजा लेने का कोई मंसूबा नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान सैफरी की सिक्योरिटी मुहिदा है, जिसमें कनाडा को शामिल किया जाए। शाम में अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर को खौफनाक हादसा, 22 अमेरिकी फौजी जख्मी। हेलीकॉप्टर 22 अहलकारों को ऑपरेशन के बाद दूर दराज इलाके में मौजूद एक जंगी चौकी से वापस लेकर जा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। सूडान में दोबारा तसादुम पर सऊदी अरब और अमेरिका का इजहार तशवीश। एक दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने की पुरजोर मजम्मत। सूडान में जारी मुसलह तसादुम के बाद से अब तक 1800 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada 21वीं सदी के अपने बदतरीन जंगल की आग के मौसम का सामना कर रहा है। Bill Blair का कहना था कि इस साल अब तक 47,000 मुरबा किलोमीटर से ज्यादा इलाका जल चुका है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के हंगामी तैयारी के वजीर बिल ब्लेयर ने पीर को इस संगीन संगे मील का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल अब तक 47,000 मुरबा किलोमीटर से ज्यादा इलाका जल चुका है। इस वक्त पूरे कनाडा में 431 जंगल की आग जल रही है। इनमें से एक एडिसन की अल्बर्टा कम्युनिटी को खतरा बना रहा है, जहाँ 8,400 रिहायशी जुम्मे को जारी करदा इनखिला के हुक्म के तहत हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में सैकड़ों लोग 4,660 मुरबा किलोमीटर पर मुहित डोनी क्रैक के इलाके में, जहां आग भड़क उठी है, या तो अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए हैं या फिर इनखिला के इंतबाह के तहत हैं, जो सूबे में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी रिकॉर्ड शुदा जंगल की आग बन गई है। शेलबर्न काउंटी NS में एक बड़े पैमाने पर आग अब भी काबू से बाहर है। हालांकि हुक्काम का कहना है कि 235 मुरबा किलोमीटर पर फैली बैरिंगटन झील के जंगल की आग अब नहीं बढ़ रही। सूबे के कुदरती वसायल के महकमे के साथ टीमें इस हफ्ते जुनूब मगरबी नोवा स्कोशिया में आग पर परवास करेंगी और उन इलाकों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड स्कैनर्स का इस्तेमाल करेंगी जहां फायर फाइटर्स को रवाना किया जाना चाहिए। शोलों से लड़ने में मदद के लिए मुतादित ममालिक से लगभग 5,000 फायर फाइटिंग अहलकार कनाडा भर में तैनात किए गए हैं और आने वाले दिनों में चिली, कोस्टारिका, स्पेन और पुर्तगाल से मजीद सैकड़ों की आमद मुतवक्के है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि आकॉस इत्तेहाद में कनाडा की शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन क्रेबी का कहना है कि आकॉस के मेकअप का असर नौ जायजा लेने का कोई मंसूबा नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमरीका के दरमियान सैफरीकी सिक्योरिटी मुहिदा है, जिसमें कनाडा को शामिल किया जाए। आकॉस की तख्लीक का ऐलान सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया को जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोजें तैयार करने में मदद करने के लिए किया गया था, क्योंकि इंडो पैसिफिक ममालिक ने बढ़ते हुए मुखालिफ चीन से निमटने के मनसूबों पर काम किया था। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज की मार्केट में नहीं है। इसके बावजूद वजीर दिफा अनीता आनंद ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वफाकी हुकूमत क्वांटम कंप्यूटिंग, मस्नूई ज़हानत और दीगर टेक्नोलॉजी से मुतालिक मामलों पर आकॉस के अराकीन के साथ तआवुन में दिलचस्पी लेगी,
कैनेडियन प्रेस ने रिपोर्ट किया है। इस दौरान कैनेडियन फौज और दीगर दिफाई माहरीन ने कैनेडा के आकाउस से बाहर होने पर तश्वीश का इजहार किया है। जॉन कर्बी का कहना था कि हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजें हासिल कर सके। यही वो जगह है जहाँ हमारी तवज्जो मरकूज है और वाकई इस वक्त बातचीत नहीं हो रही या मुस्तकबिल में आकौस इंतजामात में तरमीम करने का मंसूबा नहीं है। मैं पूरी तरह से पेश कोई नहीं कर सकता कि इंडो पैसिफिक में चीज़ें कहाँ जा रही हैं, लेकिन इस पर तवज्जो मरकूज है। जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि जबकि अमरीका कैनेडा को एक हिंद बहरुल काहिल ताकत के तौर पर तस्लीम करता है और ये कि इंडो पैसिफिक चैलेंजेस से निमटने में कैनेडा का वाज़ेह तौर पर कलीदी किरदार है, जिसमें इस वक्त आकौस की रुकनियत शामिल नहीं है। मेरे पास इस पर कहने को कुछ नहीं, कर्बी ने कहा, इस लिहाज से कि आकौस आगे बढ़ने की तरह दिखाई दे सकता है। एक बार फिर हम वाकई इसे इस जौहरी से चलने वाली आबदोज की सलाहियत के मुताबिक बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्योरिटी मुहैदा अभी मौजूद नहीं है ये फैसला करने में कि आया इसमें कभी भी दीगर टेक्नोलॉजीज और सलाहियतों को शामिल करने के लिए तौसी की जाएगी। माहरीन का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में कर्बी के तबसरे हैरान कन हैं कि कैनेडा और न्यूजीलैंड दोनों दीगर सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज करने वाले आकाउस के दूसरे सतून यानी साइबर और टैक में शामिल होने में दिलचस्पी लेंगे। शाम में अमरीकी फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया जिसमें 22 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम में अमरीकी फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया जिसमें 22 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अमरीकी फौज का एक हेलीकॉप्टर 22 अहलकारों को ऑपरेशन के बाद दूर दराज इलाके में मौजूद एक जंगी चौकी से वापस लेकर जा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। अमरीकी फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हादसे में 22 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए जिनमें से 10 की हालत नाजुक है। ताहम हादसे की नौयत और वजह के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि वाकये की वजूहात की तहकीकात जारी है। 10 शदीद जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब उन्हें एक बड़े अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ख्याल रहे कि अमरीका में तकरीबन 900 अमरीकी अहलकार तैनात हैं जिनमें से ज्यादातर मशरकी इलाके में तैनात हैं और दाइश के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। दाइश ने 2014 में शाम और इराक के एक तिहाई हिस्से पर अपनी हुकूमत का ऐलान किया था। ताहम मुल्क के बेशतर हिस्सों से उनका कब्जा वागुजार करा लिया गया है। ताहम अब भी दूर दराज इलाकों में दाइश के जंगजू मौजूद हैं और इत्तेहादी अफवाज पर हमले करते हैं। सऊदी अरब और अमरीका ने सूडान में एक दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने की पुरजोर मजम्मत करते हुए उसे तश्वीशनाक करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब और अमरीका ने सूडान में एक दिन की जंगबंदी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू होने की पुरजोर मजम्मत करते हुए उसे तश्वीशनाक करार दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि सूडानी फौज और पैरामिलिट्री रैपिड फोर्स ने जंगबंदी के दौरान अपनी फोर्सेस के कंट्रोल एंड कमांड का मुजाहरा किया जिसकी वजह से इंसानी इमदाद की कार्रवाइयां मुमकिन हो सकें। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम लड़ाई दोबारा शुरू होने की मजम्मत करते हैं। वाज़ह रहे कि अप्रैल से सूडान में जारी मुसलह तसादुम के बाद से अब तक डेटा प्रोजेक्ट के मुताबिक 1800 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।